दोस्तों आज आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जा रहा है और इस मैच में जीतने वाली टीम पे करोड़ों रुपए की बारिश होने वाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हारने वाली टीम को कितने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और इस वर्ल्ड कप में जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी उनको कितनी धनराशि मिलने वाली है और जिस जिस टीम ने जो जो मैच जीते थे उनको एक टीम के लिए कितना पैसा मिलता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप सैनी और आप देख रहे हैं 24 फैक्ट्स इन्फो। जैसे कि हम जानते हैं कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है और ये दोनों ही टीमें इस वर्ल्ड कप की प्रबल दावेदार हैं। अब देखना यह है कि 2023 का वर्ल्ड कप किसकी झोली में जाता है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम को कितने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। जी हां, आज के मैच में जीतने वाली टीम के ऊपर आईसीसी करोड़ रुपए की बारिश करने वाला है। आपको बता दें कि 1.5 महीने से ज्यादा चलने वाले इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अभी तक करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए हैं, लेकिन क्रिकेट के प्रेमी के दिलों में एक सवाल जरूर रहता है कि जीतने वाली टीम को कितने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं और इंडिविजुअल मैच जीतने पर एक टीम को कितना प्राइज मिलता है। जब इस वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो आईसीसी ने 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 83 करोड़ 29 लाख रुपए की घोषणा करी थी, जिसमें जीतने वाली टीम को 40 लाख अमेरिकी डॉलर मिलने हैं। भारतीय करेंसी में अगर इसको देखा जाए तो ये 33 करोड़ रुपए होते हैं और वहीं इस वर्ल्ड कप में हारने वाली टीम को 20 लाख डॉलर मिलेंगे जो कि भारतीय करेंसी में 16 करोड़ रुपए होते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जीतने वाली टीम को जब 40 लाख डॉलर मिलेंगे तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वहीं अगर हम बात करें 2011 की, जब महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था उस वक्त उनको 25 करोड़ रुपए की धनराशि मिली थी, लेकिन इस साल 2023 में जीतने वाली टीम को 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, जब सेमीफाइनल में जो टीम बाहर होती है उनको कितने करोड़ रुपए मिलते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस टीम को 8 लाख डॉलर मिलते हैं जो कि भारतीय करेंसी में 7 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होता है और सेमीफाइनल मैच में हारने के बाद 7 करोड़ रुपए की धनराशि मिलना काफी गजब की बात है। और वहीं वर्ल्ड कप लीग स्टेज में बाहर होने वाली टीम को भारत आईसीसी 1-1 लाख डॉलर देगा जो कि भारतीय करेंसी में 83 लाख रुपए होते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस लीग में 46 मैच खेले गए और जिस भी टीम ने जितने मैच जीते थे उनको एक मैच की फीस 40,000 डॉलर मिली जो कि 33 लाख रुपए होते हैं। और अगर हम बात करें भारतीय टीम की तो उन्होंने अभी तक 9 मैच लगातार जीते हैं और अगर हर मैच में जीती हुई राशि को जोड़ा जाए तो अभी तक वो इस वर्ल्ड कप में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा जीत चुकी है। और अगर आज भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जीतती है तो आज वो 40 लाख अमेरिकी डॉलर को भी जीतेगी जो कि 33 करोड़ रुपए होते हैं। ये इनामी राशि सिर्फ आईसीसी की तरफ से होगी। अगर भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जीतती है तो उसके बाद भारत सरकार के साथ साथ सभी राज्य उनको करोड़ों रुपए की धनराशि देने वाले हैं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में अगर भारत जीती तो उनका हर एक प्लेयर कम से कम भी 25 से 30 करोड़ रुपए इंडिविजुअल जीतने वाला है। आपका इसके बारे में क्या बोलना है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दो।